चेन्नई सुपर किंग के कैंप के तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2020 के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और उन्होंने अपना प्रैक्टिस कैंप भी लगा लिया था 1 मार्च से ही। लेकिन जैसे ही कल ये खबर आई कि आईपीएल 2020 को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है, जिसके बाद अब चेन्नई सुपर किंग ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आप सभी को बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग ने कल ही ये फैसला ले लिया है कि अब चेन्नई सुपर किंग के प्रैक्टिस कैंप को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब आईपीएल को जो है आगे के लिए बढ़ा दिया गया है और कोरोना का भी खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण से सावधानी अपनाते हुए सभी खिलाड़ियों को अपने अपने घर वापस लौट जाने की जो है सलाह दी गई है और सभी को सुरक्षित रहने के लिए भी कहा गया है। तो चेन्नई सुपर किंग ने अपना प्रैक्टिस कैंप को अब बंद कर देने का निर्णय लिया है। आप सभी को बता दूं कि जैसे ही कल ये बीसीसीआई की तरफ से घोषणा हुई कि आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग के भी बैठक हुई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि प्रैक्टिस कैंप को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। आप सभी को बता दूं कि 15 अप्रैल से आईपीएल शुरू होगा, तो इसीलिए चेन्नई सुपर किंग कुछ दिनों बाद फिर से बैठक करेगी, जिसके बाद ये सारे निर्णय लेंगे कि अब दोबारा जो है कब से इस कैंप को शुरू करना है और कब से दोबारा चेन्नई सुपर किंग के सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस में जुटेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अब चेन्नई सुपर किंग ने अपना प्रैक्टिस कैंप को यहीं पर बंद करने का निर्णय लिया है और आज ही सभी खिलाड़ी अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। तो कोरोना वायरस का असर कहीं ना कहीं अब चेन्नई सुपर किंग के प्रैक्टिस कैंप पर भी पड़ गया है, जिसके कारण से उन्हें अपना प्रैक्टिस कैंप को बंद करना पड़ा है। तो निश्चित रूप से ये चेन्नई सुपर किंग के लिए और चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अब वो कैंप नहीं होगा, अब सभी खिलाड़ी अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। तो इस पर आपका क्या है रिएक्शन, हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे नए अपडेट के साथ, बने रहे AMA नेटवर्क पर।